दोस्तों, शेर और हाथी की लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या होगा अगर दो शक्तिशाली बुद्धिमान जानवर आपस में भिड़ जाएंगे? जहां एक तरफ शेर जो जंगल का राजा होता है और अपने हित के लिए जंगल के जानवरों का शिकार करता है, वहीं दूसरी ओर हाथी जो जंगल के सबसे बड़े ताकतवर जानवरों में से एक होता है, फिर भी जंगल के दूसरे जानवरों को शेर का शिकार होने से बचाता है। तो दोस्तों, शेर और हाथी की लड़ाई में शेर हाथी को हरा पाएगा या हाथी शेर पर भारी पड़ जाएगा? वैसे तो हाथी जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा और विशालकाय जीव है। इसे संसार का सबसे भारी भरकम जानवर भी माना जाता है। आमतौर पर एक हाथी का वजन 6 से 10 हजार किलो के आसपास होता है और लंबाई 10 से 13 फीट हो सकती है। वही शेर हाथी के मुकाबले काफी छोटे होते हैं और इसकी वजन 170 से 230 किलो के आसपास या उससे भी ज्यादा होता है। वही इनकी लंबाई केवल 6 से 7 फीट होता है। हमारे हाथों की तरह ही हाथी के सूंड उनके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कार्यकुशल हिस्सा होता है, जिससे वह अधिकतम काम करते हैं। वही हाथी के पास दो लंबे दांत भी होते हैं जिनकी कीमत लाखों में होती है। हाथी के दांत निरंतर बढ़ते रहते हैं जिनकी मदद से रोजमर्रा के काम करते हैं। वहीं शेर के जबड़ों में मजबूत दांत उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करने और उनसे लड़ने के काम आते हैं। शेर हमला करते वक्त अक्सर शिकार के ऊपर चढ़कर अपने जबड़ों से करीबन 250 psi के दबाव से काटता है, जिसकी वजह से कुछ देर में ही शिकार की मौत हो जाती है। दोस्तों, हाथी की त्वचा 2.5 सेमी मोटी होती है और इनका शरीर का अधिकांश भाग भी बहुत कठोर होता है। वहीं शेर के पास हाथी जितना मोटी चमड़ी तो नहीं होती, लेकिन इनकी चमड़ी मोटी और मुलायमदार बालों से ढकी होती है। हाथी और शेर दोनों एक सामाजिक जानवर होते हैं जो समूह में रहना ही पसंद करते हैं। बात करें बुद्धिमानी की, तो शेर के मुकाबले हाथी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और इन्हें दुनिया के सबसे बुद्धिमान प्रजातियों में से एक माना जाता है। हाथी का दिमाग किसी भी स्थलीय जानवर के मुकाबले काफी बड़ा और 5 किलोग्राम से अधिक वजनी होता है। इनके दिमाग की संरचना मनुष्य के दिमाग के समान ही होता है, जिस कारण हाथी मनुष्य के तरह ही कई प्रकार की भावनाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर हाथी और शेर में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? जैसे हम जानते हैं कि हाथी और शेर दोनों समूह में रहते हैं, अकेले शेर और अकेले हाथी की लड़ाई होना थोड़ा मुश्किल है। दूसरी बात, हाथी और शेर की तभी लड़ाई होगी जब शेर हाथी के बच्चे का शिकार करने की कोशिश करेगा या फिर अन्य किसी जानवर को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, तभी हाथी उन्हें बचाने के लिए शेर से लड़ेगा। लेकिन अगर किसी तरह से एक हाथी और एक शेर का आमना सामना हो जाए और उनकी लड़ाई हो जाए, तो सबसे पहले शेर हाथी पर झपटने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद भी शेर को नाकामयाबी ही मिलेगी। अगर किसी तरह हाथी पर झपटने में भी कामयाब हुआ तो हाथी का विशालकाय शरीर और मोटी चमड़ी होने के कारण शेर के पंजों और दांतों का हाथी पर कोई भी असर नहीं होगा और कुछ ही देर में हाथी शेर पर भारी पड़ने लगेगा, जिसके चलते हाथी शेर को वहीं मार गिराएगा या फिर शेर अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है किसकी होगी जीत? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।